गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। अभी हमारा चैप्टर फोर द प्लांट वर्ल्ड चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम ग्रास फैमिली पढ़ेंगे। सम प्लांट्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली ऑफ द प्लांट वर्ल्ड। जो पौधों का संसार है उसमें कुछ पौधे ऐसे हैं जो ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट दीज प्लांट्स। इन पौधों के बारे में और जानते हैं एंड हाउ दे आर यूजफुल टू अस, और ये हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं ये भी जानेंगे। सीरियल प्लांट्स लाइक वीट, राइस, ज्वार, बाजरा एंड अदर प्लांट्स लाइक शुगर प्रोवाइड फूड टू अस। अनाज वाले जो पौधे हैं जिसमें वीट, राइस, ज्वार, बाजरा और दूसरे अन्य पौधे जैसे कि शुगर, ये हमारे लिए खाना प्रोवाइड करते हैं। फॉडर फॉर एनिमल्स इज ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली के जो पौधे होते हैं उनसे पशुओं के लिए भी चारा मिलता है। हैव यू सीन बैम्बू प्लांट्स। आपने बैम्बू प्लांट्स देखे हैं। बैम्बू मतलब बांस। दे आर जाइंट ग्रास प्लांट्स। ये जो पौधे होते हैं ये बहुत ज्यादा ऊंची और लंबी घास वाले पौधे होते हैं। बैम्बू इज यूजफुल इन मैनी वेज। बैम्बू हमारे लिए बहुत तरीके से यूजफुल है। लाइक इट इज यूज इन मेकिंग चेयर्स, मैट्स, कर्टेन्स, ब्रूम्स, बास्केट एंड टॉयज। जैसे कि इससे हम चेयर बना सकते हैं, मैट्स बना सकते हैं, कर्टेन्स बना सकते हैं, ब्रूम्स झाड़ू बना सकते हैं, बास्केट्स, टोकरी एंड टॉयज जैसे खिलौने। पीपल ऑल्सो बिल्ड देयर हाउसेज विद बैम्बू इन सम प्लेसेज। कुछ जगहों पर लोग बैम्बू से अपने घर भी बनाते हैं। वी ईट बैम्बू शूट्स विच आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन। हम बैम्बू की शूट्स यानी टहनियाँ भी खाते हैं जो कि पोषण से भरपूर होती हैं। पीपल ऑफ इजिप्ट मेड पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए ग्रास कॉल्ड पेपरस। इजिप्ट के लोगों ने पहली बार पेपर बनाया था पेपरस नाम की ग्रास से। दैट इज वेयर द नेम पेपर कम्स फ्रॉम। और यहीं से पेपर का नाम आया है। पीपल नाउ यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रास टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरे संसार में लोग अब अलग अलग तरह की ग्रास से अलग अलग तरह के पेपर बनाते हैं। वी यूज ड्राइड ग्रास एज पैकिंग मटीरियल। पैकिंग मटेरियल बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो कार्टन्स में पैक होता है और उनको पैक करने के लिए ड्राई ग्रास का यूज किया जाता है। और मोस्टली ग्लास का आइटम जो होता है वो ड्राई ग्रास के साथ पैक किया जाता है। मैनी ग्रास प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। बहुत सारे ग्रास प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको दवाओं को बनाने में काम में लिया जाता है। रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट्स हेल्प टू कंजर्व द सॉइल। और जो ग्रास प्लांट होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को संरक्षित करने में मदद करती है। अब है सम अनयूजुअल प्लांट्स। अनयूजुअल मतलब असामान्य पौधे। कुछ असामान्य पौधे। लेट अस रीड अबाउट सम अनयूजुअल प्लांट्स ऑन अवर प्लैनेट। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे असामान्य हमारे धरती पर जो कुछ असामान्य पौधे मौजूद हैं उनके बारे में। संड्यू प्लांट हैज टेंटेकल लाइक लीव्स विच आर कवर्ड इन स्टिकी प्लांट हेयर्स। संड्यू प्लांट जो होता है कुछ रेशे टाइप की उसकी पत्तियां होती हैं जो कि कवर्ड रहती हैं स्टिकी प्लांट हेयर्स से। प्लांट के स्टिकी मतलब चिपचिपे हेयर्स से। दीज अट्रैक्ट एंड ट्रैप इंसेक्ट्स फॉर फूड। और ये जो स्टिकी प्लांट हेयर्स होते हैं ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं फूड के लिए। दिस इज ऑल्सो ए कार्निवोरस प्लांट लाइक द वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जो संड्यू पौधा है ये भी वीनस फ्लाई ट्रैप की तरह एक मांसाहारी पौधा है। नेक्स्ट है लिविंग स्टोन्स। लिविंग स्टोन्स प्लांट्स आर एक्चुअली लाइक पेबल्स बट दे आर अलाइव। जो लिविंग स्टोन प्लांट होता है ये जो पिक्चर दिख रही है ये लिविंग स्टोन प्लांट की है। और ये जो प्लांट होता है ये वास्तव में पत्थर के जैसा दिखाई देता है लेकिन ये अलाइव यानी जीवित होता है। दीज पेबल लाइक स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली लीव्स ऑफ द प्लांट। ये जो पेबल पत्थर के जैसा स्ट्रक्चर है ये इस प्लांट की लीव्स होती हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड रेयरेस्ट फ्लावर्स द कॉप्स फ्लावर प्लांट हैज वेरी पंजेंट स्मेल लाइक दैट ऑफ समथिंग डेड और रोटन। संसार के बहुत ज्यादा बड़े और अनूठे फूलों में से एक फूल है
कॉब्स फ्लावर प्लांट, जो जिसकी स्मेल जो होती है वो इतनी तीखी होती है जैसे कि किसी चीज के सड़ने की स्मेल आती है या किसी जानवर के मर जाने के बाद जो स्मेल आती है, इस फ्लावर की स्मेल उस तरह की होती है। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपको पूरा चैप्टर एक बार फिर से रीड करना है और हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं। दैट्स ऑल।